वहीं कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा के निर्देश पर नगर निगम भिलाई की टीम द्वारा अवैध होर्डिंग्स और सड़क किनारे बिल्डिंग मटेरियल रखे लोगों पर कार्यवाही शुरू की गई। साथ ही अतिक्रमण करने वालों को सूचीबद्ध कर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा द्वारा लगातार नगर निगम भिलाई के विभिन्न वार्डों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। कलेक्टर के निर्देश पर निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने सभी जोन के आयुक्तों को सड़क बाधा करने वालों के खिलाफ विशेष कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसी के तहत वैशाली नगर क्षेत्र अंतर्गत कालीबाड़ी चौक से एकता चौक में सड़क पर किए गए अतिक्रमण को हटाने कार्रवाई की गई। सड़क पर व्यापारियों के द्वारा होर्डिंग्स एवं प्रचार सामग्री लगाकर यातायात को बाधित किया जा रहा था, जिसे निगम के तोड़फोड़ दस्ते ने हटाने की कार्रवाई की। इसी तरह आकाशगंगा सुपेला सब्जी मंडी में अवैध कब्जेधारियों को हटाने अभियान चलाया गया। अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी के नेतृत्व में जोन आयुक्त पूजा पिल्ले, सहायक राजस्व अधिकारी बालकृष्ण नायडू, परमेश्वर चंद्राकर, राजेश गुप्ता, जगन्नाथ तिवारी ने मौके पर रहकर कार्रवाई को अंजाम दिया। रोड से एकता चौक तक जो है वो वैशाली नगर क्षेत्र में कार्रवाई की गई। इसी प्रकार से जोन क्रमांक एक जो क्षेत्र है इसमें भी आकाशगंगा के समीप जो है वो कार्रवाई की गई है, जिसमें अवैध गुमटी और ठेले थे उसको हटाए गए हैं। जो अवैध रूप से बोर्ड जो बाहर में लगे हुए थे उनको हटाए गए हैं। नालियों के ऊपर से अतिक्रमण हटाई गई है। इस प्रकार से जो शहर की स्वच्छता सुंदरता को बनाए रखने के लिए तथा सड़क बाधा को हटाने के लिए जो है कार्रवाई की जा रही है। मेरी आम नागरिकों से अपील है कि जो अवैध रूप से जो अतिरिक्त रूप से सड़क पर फैलाकर सामान फैलाकर जो व्यवसाय करते हैं वो नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर निगम जो है प्रशासन जो है कड़ी कार्रवाई करेगा। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए संजय दुबे।